नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कपिल काटपाल। स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ द हिंदू एंड अदर रिपोर्टर सोर्सेस। दिस इज 19th of February 2020। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वार्म वेलकम एवरीवन, एवरीवन एंड एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप मुझे डेली फॉलो कर रहे हैं, बस इसी तरह से डेली फॉलो करते रहिएगा। आप डेफिनेटली 90% तक स्कोर कर सकते हैं अपने करंट अफेयर सेक्शन में। और अगर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने में इंटरेस्टेड है तो इस कोड को यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ दी Zini10। ओके, इस कोड को यूज़ कर लीजिएगा, आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी तरह का सब्सक्रिप्शन। चाहे बैंकिंग एग्जाम के अलावा भी आप कोई और सब्सक्रिप्शन, किसी भी फील्ड का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तब भी आपके लिए ये कोड वैलिड रहेगा। इस पर्टिकुलरली चैनल क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपको ये चैनल नहीं मिलता तो आप टाइप कीजिए जनरल अवेयरनेस विद कपिल काटपाल, वहाँ पर आपको नियर अबाउट 17,000 सब्सक्राइबर मिलेंगे उस चैनल पे। वहाँ पर आपको मेरे पिछली सारी क्लासेस के लिंक एंड सारे पीडीएफ अवेलेबल हैं। यहाँ पर हम डेली सुबह 7:30 बजे करंट अफेयर्स की क्लास करते हैं इसी यूट्यूब चैनल पे, और इसी तरह से इस क्लास के बाद आपके लिए एक एमसीक्यू सेशन लेकर आता हूँ, जो कि एमसीक्यू रहते हैं प्रीवियस डे के, वो होते हैं आपके अनअकैडमी की स्पेशल क्लास के प्लेटफॉर्म पे। अनअकैडमी स्पेशल क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, वहाँ पर होते हैं। तो आज की क्लास 8:10 पर ना होकर 8:30 बजे होगी। सो ये ध्यान रखिएगा, आज की एमसीक्यू क्लास 8:30 बजे होगी, तो सभी के सभी लोग लाइव ज़रूर आ जाइएगा आज 8:30 बजे। ओके, पहली न्यूज हम चलते हैं और ये आई है आपकी लातूर से। लातूर आपका कहां पे है? लातूर आपका महाराष्ट्र में है। ओके, लातूर मेडिकल कॉलेज को आपका रीनेम करने का फैसला किया है और ये नाम दिया जाएगा अब चीफ मिनिस्टर विलासराव देशमुख के नाम पे। सो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव राय ठाकरे ने आपका अप्रूव किया है रीनेमिंग ऑफ द लातूर मेडिकल कॉलेज एज द विलासराव देशमुख इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ओके, सो ये ऑलरेडी महाराष्ट्र के पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के आपके मेंबर हैं, चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के 2 बार 1999 से 2003 एंड 2004 से 2008 के बीच में। इवन यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री इनके पास थी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस, ये सभी के सभी मिनिस्टर्स ये रह चुके हैं। विलासराव देशमुख नाम आपने इनका सुना होगा, इन्हीं के नाम से अब जाना जाएगा आपका लातूर मेडिकल कॉलेज। ओके, लातूर मेडिकल कॉलेज अब बनेगा चीफ मिनिस्टर के नाम से, पूर्व चीफ मिनिस्टर विलासराव देशमुख इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। सो यहां पर एग्जाम पॉइंट ऑफ से डायरेक्ट क्वेश्चन, लातूर मेडिकल कॉलेज को आप किस नाम से जाना जाएगा? विलासराव देशमुख इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के नाम से जाना जाएगा। या फिर ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विलासराव देशमुख अभी कौन से स्टेट के पूर्व चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं? तो राइट आंसर उसका रहेगा महाराष्ट्र। फिलहाल वहां के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, भगत सिंह कोश्यारी वहां के गवर्नर हैं, एंड दी कैपिटल वहां की मुंबई। नेक्स्ट एक और इंस्टीट्यूट है और ये इंस्टीट्यूट है इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, ये आपका न्यू दिल्ली में है। ओके, न्यू दिल्ली में ये इंस्टीट्यूट है। सो ये इंस्टीट्यूट बेसिकली आपका ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है मिलिट्री एज वेल एज दी नॉन मिलिट्री पर्सनल्स को रिगार्डिंग दी दूसरी कंट्रीज से किस तरह से इंटरनेशनल रिलेशंस किस तरह से एस्टेब्लिश करने चाहिए, किस तरह से डिफेंस रिलेशंस आपके एस्टेब्लिश होने चाहिए, इस तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपकी कंडक्ट कराता है ये इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस। इसका नाम अब चेंज करके क्या कर दिया गया? मनोहर पारेकर Institute for Defense Studies and Analysis. So, ये नाम आपका चेंज किया डिफेंस स्टडीज के एनालिसिस का, मनोहर पारेकर। मनोहर पारेकर उम्मीद करता हूं आपको पता होगा, पूर्व डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, गोवा के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, हाल ही में इनका निधन हो गया था। नेक्स्ट चलते हैं 20th लॉरेस अवार्ड 2020 अनाउंस्ड इन बर्लिन। ओके, बर्लिन में आपके 20वें लॉरेस अवार्ड 2020 हुए। अभी हाल ही में इससे रिलेटेड हमने नॉमिनेशंस देखे थे, कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी जिसमें बताया था कि नॉमिनेशंस ये गए हैं और अब फाइनल वो अवार्ड आपके घोषित कर दिए गए हैं। दीज आर दी लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, ये एक एनुअल अवार्ड है जो कि आपके इंडिविजुअल या फिर टीम्स को दिया जाता है जो कि स्पोर्ट्स के फील्ड से बिलोंग करती हैं, कुछ ना कुछ उन्होंने अलग तरीके का कुछ अचीव किया हो। तो ये 1999 में एस्टेब्लिश किया गया था बाय द लॉरेस स्पोर्ट फॉर गुड फाउंडेशन।
फाउंडर थे आपके डेमलर एंड दी रिचमोंड। चलिए अब ये फिलहाल ये तो हुआ हमारा, इस न्यूज में पूछेंगे आपसे कहां पर हुए, बर्लिन में हुए, कौन से में हुए, 20th हुए, कब स्टार्ट हुए थे, 1999 में स्टार्ट हुए थे। अब यहां पर मेन पे चलते हैं कि किस किस को क्या क्या अवार्ड मिले हैं। ये हैं आपके सामने 11 अवार्ड, अलग अलग स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी को ये अवार्ड मिले। इसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर आपका दो पर्सन को मिला। इसमें वोटिंग होती है आपकी बेसिकली, तो इन दोनों को सेम नंबर ऑफ वोट्स मिले। लुइस हैमिल्टन आपके फॉर्मूला वन रेसर, लियोनल मेसी आपके फुटबॉलर, इन दोनों को आपका टाई, इन दोनों में आपका टाई हुआ और इन दोनों को सेम नंबर ऑफ वोट्स मिले। सो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि दोनों दो पर्सन को आपका वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड चुना गया। वर्ल्ड स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड आपका सिमोन बाइल्स को दिया गया एंड वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर साउथ अफ्रीका की मैंस टीम रग्बी को दिया गया। और इंडिया की तरफ से एक खास बात यह रही, एक न्यूज बहुत बड़ी आई, वो रही लॉरस बेस्ट स्पोर्टिंग मूवमेंट वो दिया गया जो कि सचिन तेंदुलकर से रिलेटेड था। याद होगा आपको वर्ल्ड कप जब इंडिया ने अभी हाल ही में जीता था तब सचिन तेंदुलकर को सबने अपने कंधों पर उठाकर पूरे के पूरे वानखेड़े स्टेडियम के आपका एक राउंड लगाया गया था। सो वही मूवमेंट को आपका बेस्ट स्पोर्टिंग मूवमेंट आपका घोषित किया गया। दैट द नेम विच वॉज गिवन दैट इज द कैरिड ऑन द शोल्डर्स ऑफ द नेशन सचिन तेंदुलकर, ये आपका उसको मूवमेंट को नाम दिया गया था। ओके, लॉरेंस वर्ल्ड बेक थ्रू ऑफ द ईयर एगान बर्नल और बाकी आप पढ़ लीजिएगा। ओके जो ये अलग अलग नाम है आपके अलग अलग कैटेगरीज में, इन सभी को आपकी याद कर लीजिएगा। 11 हैं, याद बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे, ऐसा नहीं है एक बार देखकर डरिएगा मत, बट बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे और सारे करने हैं आपको याद। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इश्यूज ट्रैवल एडवाइजरी फॉर द इंडियंस। ओके, सो यहाँ पर इंडियंस को आपका एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने एक ट्रैवल एडवाइजरी घोषित की है। ट्रैवल एडवाइजरी एडवाइस दिया है कि आप बेसिकली इराक में आप इन पांच जगहों पे फिलहाल मत जाइए, निनेवा, सलाहुद्दीन, दियाला, अनबर एंड दी किरकुक। ओके, सो इन पांचों जगह पर जाने की सलाह नहीं दी गई है, एडवाइज किया गया है कि ये अनसेफ है, वहां पर भी अगर कोई रह रहा है तो उसको भी कहा गया है कि वहां से आप निकल सकते हैं, निकल जाइए। सो दिस इज दी इराक के पांच प्रोविंसेस को, कैपिटल वहां की बगदाद है, अब्राहम सोली वहां के प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद तौफिक अलावी है। ओके, सो यहां पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री कौन सी कंट्री के लिए एडवाइजरी घोषित की है, आपकी इराक के लिए एडवाइजरी घोषित की है। नेक्स्ट चलते हैं 70वें बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जर्मनी में। ओके, जर्मनी में आपके बर्लिन में आपके ये हो रहे हैं 70वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जहां पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर ने अपने इंडिया के पवेलियन को एक इनॉग्रेट किया। पवेलियन का मतलब एक स्टॉल लगा दी जाएगी जहां पर आपका इंडियन सिनेमाज को प्रमोट किया जाएगा। जैसे हम मेले में जाते हैं वहां छोटी छोटी स्टॉल्स होती हैं, उसी तरह से इस फिल्म फेस्टिवल में भी एक स्टॉल आपकी स्टॉल टाइप की आपके इंडियन फिल्म्स को प्रमोट करने के लिए लगाई गई और इसको इनॉग्रेट किया आपका डॉक्टर एस जयशंकर, जो कि हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। सो ये कौन से में एडिशन है, बर्लिन इंटरनेशनल फेस्टिवल का 70वां एडिशन है। नेक्स्ट चलते हैं आपका लेट सुषमा स्वराज जी। ओके, लेट एक्सटर्नल, पहले एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है चुके हैं अभी जब इनका निधन हो गया, और इनके नाम से आपका अंबाला सिटी बस स्टैंड का नाम रखा गया। ओके, अंबाला सिटी बस स्टैंड रीनेम्ड आफ्टर द लेट सुषमा स्वराज, इनके नाम से रखा गया है बिकॉज अंबाला कैंट में इनका जन्म हुआ था और एज वेल एज ये एमएलए वहां से दो बार एमएलए रह चुकी हैं, इसलिए वहां के आपके बस स्टैंड का नाम इनके नाम पे रख दिया गया है। हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया। हरियाणा चंडीगढ़ मनोहर लाल खट्टर है वहां के चीफ मिनिस्टर, सत्यदेव नारायणा आर्या वहां के आपके गवर्नर है। सो यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट सिटी का नाम पूछ सकते हैं या लीडर का नाम पूछ सकते हैं, दोनों में से क्वेश्चन आपका वाइस वर्सा पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, appreciate and commend scheme. So appreciate and commend scheme कौन सा स्टेट लेकर आया है, पंजाब स्टेट लेकर आया है। पंजाब पुलिस में ये आपका appreciate and commend scheme लेकर आए हैं। इसमें आपका उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा, उन पुलिस ऑफिसर्स को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने अपनी ड्यूटी बहुत ही अच्छे ढंग से आपकी निभाई है, बहुत ही एक आउटस्टैंडिंग वर्क उन्होंने शो किया है उसमें। एंड इसमें आपका नॉमिनेशन लिए जाएंगे बाय 25 ऑफ एवरी मंथ एंड अवार्ड नाम जो है 5 तारीख तक आपके एवरी मंथ अनाउंस कर दिए जाएंगे, उनको स्क्रीन किया जाएगा
कमेटी के द्वारा। सो यहाँ पर एग्जाम पॉइंट से आपसे पूछेंगे अप्रिशिएट एंड कमेंट स्कीम जो है वो कौन से स्टेट ने जारी की है या कौन से स्टेट पुलिस ने जारी की है। राइट आंसर उसका रहेगा पंजाब पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि कौन से पंजाब पुलिस ने अभी हाल ही में जिस स्कीम को लॉन्च किया है उसका नाम क्या है। अप्रिशिएट एंड कमेंट मीन्स बोल देंगे कि पंजाब पुलिस हैज लॉन्च्ड अ स्कीम व्हिच इज फॉर बूस्टिंग द मोरल ऑफ पुलिस ऑफिसर हु वर्क एक्सेप्शनली एंड डिलिजेंटली, नेम दैट स्कीम। तो राइट आंसर रहेगा अप्रिशिएट एंड कमेंट। सो इस तरह के दो क्वेश्चन इसमें आपके बनते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, केरला के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है युधावू मोबाइल ऐप। एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है और ये है ड्रग मैनेज से निपटने के लिए। सो बेसिकली अगर आपको किसी भी तरह की रिपोर्टिंग करनी है ड्रग से जुड़ी हुई सो आप इस ऐप के थ्रू कर सकते हैं। कोची पुलिस में आपकी ये ऐप लॉन्च की है, बेसिकली केरला में कोची में ये ऐप लॉन्च किया गया है, कोची में। ओके कोची में एंड युधावो नाम है इसका एंड ये आपका किया गया है फॉर कम्बैटिंग दी ड्रग मैनेज। इसमें खास बात यह है कि जो भी पर्सन इसमें रिपोर्ट करेगा उसका नाम कभी भी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, किसी भी जगह पर आपका नाम नहीं पता चलेगा। आपको जस्ट इसमें इंफॉर्मेशन देनी है, आपका नाम कहीं भी नहीं आएगा। सो दिस इज दी लॉन्च, दिस वॉज लॉन्च बाय द चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन। चीफ मिनिस्टर इसी मौके पर एक साइबर ड्रोम साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, नया बिल्डिंग आपके इन्फो पार्क पुलिस स्टेशन एंड रीजनल साइंस लेबोरेटरी भी आपकी लॉन्च की है आपकी कोची में। ओके सो ये यहां पर कोची में आपका ये सारी की सारी लॉन्चिंग हुई है आपकी। सो फिलहाल इसमें जस्ट आपका हेडलाइन में से क्वेश्चन बनता है युधावू मोबाइल ऐप कौन से स्टेट से रिलेटेड है, कौन से स्टेट पुलिस से रिलेटेड है, केरला से रिलेटेड है, या फिर केरला ने अभी हाल ही में एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया टू कॉम्बैट द ड्रग मैनेज, उस ऐप का नाम क्या है, युधावू उस ऐप का आपका नाम है। नेक्स्ट चलते हैं, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्कीम्स आई हैं, दो नई स्कीम्स आई हैं यूथ्स के लिए। सो यूथ्स के लिए आपकी दो नई स्कीम टू प्रमोट एंड हेल्प द यूथ ऑफ द स्टेट, ये दो नई स्कीम्स का नाम है चीफ मिनिस्टर अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम एंड द युवा उद्यमिता विकास अभियान। ये दोनों उस स्कीम का नाम है और इसके तहत आपका यूथ्स को आपका सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। सेल्फ डिपेंडेंट कैसे, 100 करोड़ रुपीस आपके दिए गए हैं आपके CMAPS स्कीम के लिए और इसके तहत आपका उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी। सो दे विल बी गिविंग द ऑन द जॉब ट्रेनिंग टू द यूथ। ओके और उसके बाद उनको जिससे वो आपका एक रोजगार के लिए आपके अवेलेबल रह सके। एंड इसके अलावा एक युवा हब भी बनाया जाएगा जो कि युवा उद्यमिता विकास अभियान के तहत बनाया जाएगा, जिसके तहत उनको रोजगार मुहैया करवाया जाएगा इन ट्रेंड यूथ्स को। इन ट्रेंड यूथ्स को आपका रोजगार मुहैया कराया जाएगा युवा हब के तहत, जो कि आपका सभी डिस्ट्रिक्ट में आपका सेटअप किया जाएगा। युवा हब के लिए उन्होंने 50 करोड़ रुपीज आपके एलोकेट किए हैं। सो यहां पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे आपका CMAPS एंड द युवा स्कीम कौन से स्टेट ने लॉन्च की है, पहला क्वेश्चन उसका आंसर उत्तर प्रदेश रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं CMAPS स्कीम जो है उसके लिए कितना पैसा एलोकेट किया गया, 100 करोड़ रुपीज। युवा हब जो स्कीम है उसके लिए कितना किया गया है, दैट इज 50 करोड़ रुपीज। ये दोनों आपका पूछ सकते हैं। CMAPS किससे रिलेटेड है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग से रिलेटेड है। युवा हब किससे रिलेटेड है, युवा हब आपके रिलेटेड है आपका एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना जो भी आपके यूथ ट्रेन हो चुके हैं इस पर्टिकुलरली स्कीम के तहत। सो ये क्वेश्चन कुछ इसमें से आपके बनते। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 2020 यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, सो ये 26वां सेशन आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कोप 26 और टू दी UNFCCC, ये आपका होगा 9 से 19 नवंबर के बीच में ग्लासगो यूके में। ओके ग्लासगो यूके में आपका होगा। इंडियन ओरिजिन आलोक शर्मा जो कि आगरा उत्तर प्रदेश से हैं, ये हाल ही में आपका प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जो कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इनको प्रमोट किया था सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर बिजनेस एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल स्ट्रेटेजी में अपने कैबिनेट में। इन्हीं को अभी हाल ही में इसमें अपॉइंट किया गया एज द मिनिस्ट्री ऑफ इंचार्ज इन द यूके कोप 26 क्लाइमेट चेंज समिट। सो यहां पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन, सबसे पहला यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 26 आपकी कहां पर होगी, ये होगी आपकी ग्लासगो यूके में होगी। ग्लासगो यूके में होगी, पहला क्वेश्चन का आंसर तो ये रहेगा। दूसरा क्वेश्चन का आंसर, दूसरा क्वेश्चन जो बनेगा वो ये बनेगा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ यूके कोप 26, द राइट आंसर रहेगा आलोक शर्मा। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आलोक शर्मा को फिलहाल अभी हाल ही में कौन सी पोस्ट पे आपका रखा गया है प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने, उनकी कैबिनेट में कौन से पोस्ट पे रखा है, उसका आंसर रहेगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर बिजनेस एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल स्ट्रेटेजी। ओके सो ये तीन क्वेश्चन इसमें से आपके बन सकते हैं। आलोक शर्मा कहां से बिलोंग करते हैं, आगरा उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं।
अचीविंग ग्लोबल गोल्स 2030, सो ये है तीसरा ग्लोबल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस और रोड सेफ्टी अचीविंग ग्लोबल गोल्स 2030, ये आपका होगा स्टॉकहोम स्वीडन में। स्टॉकहोम स्वीडन में आपका ये अचीविंग ग्लोबल गोल्स 2030 आयोजित किया जाएगा एंड इसको होस्ट करेगी गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन एंड को होस्ट करेगा WHO के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज स्वीडन के द्वारा इसको किया जाएगा होस्ट एंड ये है आपका अचीविंग ग्लोबल गोल्स 2030। सो बेसिकली ये आपकी जो कॉन्फ्रेंस है ये आपके रिलेटेड है रोड सेफ्टी से बट इसके साथ ही साथ वहां पर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है जो कि 2030 तक अचीव करने हैं उनके बारे में बातचीत की जाएगी। सो यहां पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन अचीविंग ग्लोबल गोल्स 2030 रोड सेफ्टी से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस कहां पर हो रही है, स्टॉकहोम स्वीडन में हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर्टिकुलरली कॉन्फ्रेंस को कौन को होस्ट कर रहा है, आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को होस्ट कर रहा है। 17वां एडिशन बायो एशिया 2020 का, 17वां एडिशन बायो एशिया 2020 का कहां पर, हैदराबाद, हैदराबाद में आपका होने वाला है 3 दिन का बायो एशिया 2020 जो कि एशिया का लार्जेस्ट बायोटेक्नोलॉजी एंड द लाइफ साइंसेस फोरम है जिसकी थीम रहेगी टुडे फॉर टुमारो। टुडे फॉर टुमारो इसकी थीम रहेगी, हैदराबाद में ही आयोजित किया जाएगा। 2000 डेलीगेट 37 कंट्री से यहां पर आपका अटेंड करेंगे इस प्रोग्राम को। स्विट्जरलैंड इसमें आपका पार्टनर कंट्री बनकर सामने आया है। सो यहां पर एग्जाम पॉइंट ऑफ क्वेश्चन, सबसे पहला 17वां एडिशन बायो एशिया 2020 का कहां पर हो रहा है, हैदराबाद में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसकी थीम क्या है, टुडे फॉर टुमारो इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कौन है इसकी पार्टनर कंट्री, राइट आंसर आपका रहेगा स्विट्जरलैंड इसमें पार्टनर कंट्री है। सो तीन क्वेश्चन इस पर्टिकुलर न्यूज में से आपके बनते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, न्यूज पे चलते हैं। इसरो से न्यूज आई है, इसरो दैट इज दी हमारे यहाँ का जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसने डिसाइड किया है आपका 10 अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट्स को लॉन्च करेगा इस साल 2020-2021 में। इन्होंने डिसाइड किया है 10 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च करेगा। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स होती हैं जो कि आपकी मिलिट्री पर्पज से यूज नहीं की जाती, वो बेसिकली आपकी जनरल सिविलियन पर्पज से यूज की जाती है, मीन्स आपकी वेदर फोरकास्टिंग के लिए या मैपिंग के लिए इस तरह के, या फिर ट्रैफिक आपके जो नेविगेशन पर्पस से। सो ये सारी की सारी आपकी यूज की जाती हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। अलग से 10 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स को 2021 में आपका लॉन्च किया जाएगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए एक एनुअल रिपोर्ट दिया है। इसमें आपका नई कैटेगरीज, आपकी पहली बार जियो इमेजिंग सैटेलाइट GSAT-1 भी आपकी लॉन्च की जाएगी। एक नई कैटेगरी आपकी लॉन्च करेगा इन सैटेलाइट्स की GSAT-1 एंड इसके लिए इसरो को अभी हाल ही में 13,480 करोड़ का बजट दिया गया है। सो इसरो ने अभी हाल ही में 13,480 करोड़ रुपए का बजट दिया है। इसरो ने लॉन्च किए हैं आपकी 10 अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट। सो नंबर पूछ सकते हैं आपका जिसका आंसर रहेगा 10, कौन सी सैटेलाइट को, कौन सी सीरीज की सैटेलाइट को पहली बार इसमें लॉन्च किया जाएगा, जियो इमेजिंग सैटेलाइट GSAT-1 को पहली बार लॉन्च किया जाएगा, तभी इसका नंबर 1 है। ओके सो अभी आप देखते हैं 2, 3, 4, 5 ऐसे ऐसे चलता रहता है बट ये 1 है, यानी कि पहली सैटेलाइट रहेगी इस कैटेगरी की। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कितना बजट दिया गया, 13,480 करोड़ रुपीस आपके दिए गए हैं। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, के सिवान इसके चेयर पर्सन है। चलिए मेरे दोस्तों, और एक चीज बीच में बता दूं, 8:30 बजे आज का एमसीक्यू का सेशन जो है वो 8:30 बजे होगा आपका अनअकैडमी स्पेशल क्लास में, तो तुरंत उस क्लास में पहुंच जाइएगा। इस क्लास के एंड होने के बाद थोड़ा सा ब्रेक लीजिएगा और उसके बाद 8:30 बजे, रूटीन में 8:10 पे होती है, आज किसी कारणवश मुझे 8:30 बजे वो क्लास रखनी पड़ी। सो 8:30 बजे रहेगी, 15 से 20 मिनट के लिए हम करेंगे पिछले डेज के एमसीक्यू, यानी कल जो हमने करंट अफेयर्स की थी उसके एमसीक्यूज करेंगे, पोल के थ्रू करेंगे। तो जरूर उस 8:30 बजे की क्लास में सभी के सभी लोग लाइव आया कीजिए। लाइव आएंगे आप अपने आपको असेसमेंट कर पाएंगे कि कहां पर आप स्टैंड करते हैं अपने साथ वालों के, क्योंकि वहां पर पूरी रैंकिंग आती है, पूरा प्रॉपर नंबर आते हैं, आपने कितने आंसर सही दिए कितने गलत दिए पूरा आपको पूरा अच्छे से पता लगता है। तो प्लीज उस क्लास को जरूर अटेंड किया कीजिए डेली बेसिस पर, और 8:30 का मतलब 8:30 पहुंच जाया कीजिए, लेट मत हुआ कीजिए। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं, बुक कंपाइल्स वेल नोन एफोरिज्म ऑफ द चाणक्य, चाणक्य की नीतियों के बारे में आपकी ये बुक आपकी बताएगी, चाणक्य नीति वर्सेस ऑन लाइफ एंड लिविंग। इसको ट्रांसलेट किया गया संस्कृत से एंड ये ट्रांसलेट किया गया A.N.D. Huxer के द्वारा, A.N.D. Huxer ये नाम है इनका, इनके द्वारा इसको ट्रांसलेट किया गया है एंड इसको पब्लिश किया है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने। सो यहां पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन, चाणक्य नीति वर्सेज ऑन लाइफ एंड लिविंग ये आपका ट्रांसलेट किसने किया है, ये ट्रांसलेट किया है A.N.D. Huxer, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें इतना ही क्वेश्चन आपका बनता है।
नेक्स्ट है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप न्यू दिल्ली में स्टार्ट होगी, केडी जादव हॉल ऑफ इंदिरा स्टेडियम में 23 तक ये चलेगी। न्यू दिल्ली में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप स्टार्ट है, इसमें कौन कौन जीतेगा क्या होगा वो हम देखेंगे आने वाले डेज में, राइट। नाडा ने नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने एक बार फिर से एक और पर्सन को बैन किया और ये हैं इस बार जैवलिन थ्रोवर अमित दहिया जैवलिन थ्रोवर, इनको बैन किया गया है। इन्होंने सेकंड नेशनल जैवलिन थ्रो ओपन चैंपियनशिप जो कि आपकी सोनीपत में हुई थी उस दौरान इन्होंने आपका ऑफिशियल्स को चीट करने की कोशिश की, अपने सैंपल कलेक्शन जो है उसको खत्म करने की कोशिश की। सो यहाँ पर आपका अमित दहिया जैवलिन थ्रोवर इनको नाडा ने आपका बैन किया है। सो यहाँ पर एग्जाम पॉइंट से पूछ सकते हैं अमित दहिया कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, जैवलिन थ्रोवर हैं। नाडा ने अभी हाल ही में कौन से जैवलिन थ्रोवर को बैन किया, राइट आंसर उसका रहेगा अमित दहिया। नेक्स्ट चलते हैं एक क्रेन्स चेस चैंपियनशिप, ओके क्रेन्स कप चेस टूर्नामेंट जो कि आपका यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ, इसमें इंडिया की कोनेरू हम्पी ने इस पर्टिकुलरली टूर्नामेंट को आपका जीता। कोनेरू हम्पी इंडिया से हैं, इन्होंने क्रेन्स कप चेस टूर्नामेंट आपका सेंट लुइस यूएसए में आपका जीता है। नेक्स्ट है United by emotion chosen as the Tokyo 2020 Olympics motto. So यहाँ पर आपका Tokyo 2020 Olympics motto आपका ये दिया गया, organizing committee ने reveal किया official games motto United by the emotion. Okay. So यहाँ पर बेसिकली जो ओलंपिक्स है उसका ऑफिशियल मोटो तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, ठीक है, बट यहाँ पर जो भी गेम्स होती हैं, जो भी इंडिविजुअल जो भी गेम्स होती हैं आपकी, जैसे इस बार टोक्यो 2020 तो वो भी अपना एक नया मोटो देते हैं। तो इस बार जो टोक्यो 2020 की कमेटी है उन्होंने जो आपका लोगो दिया है वो दिया है, मोटो दिया है सॉरी, वो दिया है यूनाइटेड बाय इमोशन। यूनाइटेड बाय इमोशन इसका लोगो का आपका मोटो है बेसिकली, और इस मोटो का आपका बेसिक मकसद यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है। ओके, हेडक्वार्टर लुजाने में है, प्रेसिडेंट थॉमस बैश है। ओके, सो यहां पर एग्जाम पॉइंट से आपसे पूछ सकते हैं इसका नाम, मोटो का नाम, या फिर मोटो दे देंगे, बोलेंगे कौन से गेम्स से रिलेटेड है ये, तो रिलेटेड रहेगा टोक्यो 2020 ओलंपिक्स से रिलेटेड। ओके, ऑफिशियल ओलंपिक कमिट मोटो जो ओलंपिक गेम्स होते हैं ओवरऑल उसका मोटो क्या है ये भी आपसे पूछ सकते हैं, सो ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इंडिया ने साइन किया है, ओके सॉरी, इंडिया ने साइन किया है $450 million का लोन एग्रीमेंट विद दी वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के साथ साइन किया है इन्होंने 450 मिलियन का लोन एग्रीमेंट। सो ये आपका लोन एग्रीमेंट जिसमें आपका टारगेट किया गया अटल भूजल योजना को। अटल भूजल योजना जो है वो यहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ है, अटल भूजल योजना बेसिकली जो ग्राउंड वाटर है, जो आपका भूतल, जो आपका जमीन का पानी है उसको रिचार्ज करने के लिए होता है, सो उसको इम्प्रूव करने के लिए होता है। सो ये है आपकी अटल भूजल योजना जो कि आपकी इम्प्लीमेंट की जा रही है फिलहाल 7 states में, जिसमें कवर किए जाएंगे 78 districts। ये 7 states हैं आपके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटका एंड दी महाराष्ट्र, ये 7 states रहेंगे। सो यहां पर एग्जाम पॉइंट से पहला क्वेश्चन, $450 million का लोन एग्रीमेंट कौन सा इंस्टीट्यूशन देने जा रहा है, वर्ल्ड बैंक देने जा रहा है। वर्ल्ड बैंक कितने अमाउंट का लोन देगा, $450 million का लोन देगा। ये कौन सी योजना के लिए लोन दिया जा रहा है, अटल भूजल योजना के लिए लोन दिया जा रहा है, और इस योजना को कितने स्टेट्स में इंप्लीमेंट किया जाएगा, 7 states में इंप्लीमेंट किया जाएगा, और ये 7 states कौन से हैं, ये 7 states हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटका एंड दी महाराष्ट्र, और टोटल 78 districts में आपका एस्टेब्लिश किया जाएगा। ये आपका ओड वन के आउट के फॉर्म में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आईबीबीएस पीओ जो इस बार नहीं, इससे पिछली बार जो एग्जाम हुआ था उसमें एक बार न्यूज आई थी, उस वक्त जो करंट अफेयर चल रही है उसमें भी आपका वर्ल्ड बैंक ने अटल भूजल योजना के लिए आपका लोन दिया था आपका इंडिया को, तब भी ये क्वेश्चन आईबीपीएस पीओ जो आपका पिछले साल 19 में हुआ, उससे पहले 2018 आईबीपीएस पीओ में करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आया था आपका, जिसका आंसर अटल भूजल योजना था, तब भी वर्ल्ड बैंक ने आपका लोन दिया था। तो वो ही क्वेश्चन आपका सेम टू सेम इस बार भी आ सकता है, मतलब एक जस्ट आने को तो कुछ भी आ सकता है, जस्ट एक आपको बता रहा हूँ, आईबीपीएस 2018 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसका आंसर अटल भूजल योजना था, तब भी आपका वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसी चीज के लिए आपका लोन दिया गया था। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है, प्रेसिडेंट डेविड मलपास है। ओके ओके, अगर आप में से काफी लोगों ने एग्जाम दिया हो तो आपको सभी को याद होगा वो क्वेश्चन। डोनाल्ड ट्रंप टू इनॉग्रेट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन अहमदाबाद। ओके, सो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में, जिसकी कैपेसिटी 1,10,000 लोगों की रहेगी, सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम इसको कहते हैं। सो यहां पर
सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम इसको कहते हैं। सो यहाँ पर 1,10,000 लोगों की कैपेसिटी, इसको आपका इनॉग्रेट करेंगे कौन? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट इंडिया में विजिट पर आ रहे हैं 24 और 25 को। सो यहाँ पर ये आपका इनॉग्रेट करेंगे अहमदाबाद में इस पर्टिकुलरली क्रिकेट स्टेडियम को। इसके बारे में हमने कुछ दिन पहले भी आपकी बात की थी, सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम 1,10,000 लोगों की कैपेसिटी के साथ दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी टू इनॉग्रेट यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज। सो यहां पर 13वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ये ऑलरेडी एक बार न्यूज आ चुकी है। सो यहां पर गांधीनगर गुजरात में होगा। थीम इसकी है ये वाली आपके सामने, माइग्रेटरी स्पीशीज कनेक्ट द प्लैनेट एंड वी वेलकम देम द होम। एंड इसको इंस्पायर किया गया, इंस्पायर्ड है कोलम से। कोलम क्या है, इसका लोगो जो इंस्पायर्ड है कोलम से, जो कि है ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म फ्रॉम द सदर्न इंडिया। ओके, सो ये आपका बेसिकली कोलम, ये एक आर्ट फॉर्म है सदर्न इंडिया की। इसके इसका जो लोगो है वो उससे आपका इंस्पायर्ड है। ओके, सो यहां पर एज द होस्ट इंडिया विल बी डेजिग्नेटेड द प्रेसिडेंट फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स। 3 सालों के लिए इंडिया को इसका प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। इंडिया ने ये इसको साइन किया था 1983 में पहली बार। सो यहां पर क्वेश्चन आएगा कहां पर हो रही है, गांधीनगर गुजरात में हो रही है। थीम क्या रहेगी, थीम आपके सामने ये लिखी हुई है। इसका लोगो किससे इंस्पायर्ड है, कोलम से इंस्पायर्ड है, जो कि आपका एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है सदर्न इंडिया से। इंडिया कितने सालों के लिए इसका प्रेसिडेंट रहेगा, 3 सालों के लिए प्रेसिडेंट रहेगा। कब इंडिया ने सबसे पहले साइन किया था, 1983 में इसको सबसे पहले साइन किया था। काला कुंभ एग्जीबिशन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने ऑर्गेनाइज किया है। काला कुंभ आपका फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है। इसको आपका अलग अलग सिटीज में प्लान किया जा रहा है, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई एंड दी कोलकाता। यहां पर इसको सेवरल सिटीज में आपका एस्टेब्लिश किया जा रहा है। एंड ये आपका एग्जीबिशन है टू प्रमोट दी जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्राफ्ट्स एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया। सो बेसिकली एग्जीबिशन है जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्राफ्ट्स एंड हेरिटेज, GI टैग्स जो है वो की रिलेटेड है आपके हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड, उनको प्रमोट करने के लिए ये आपका एग्जीबिशन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा ऑर्गेनाइज की जा रही है। एंड इस एग्जीबिशन को स्पॉन्सर किया है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स ने, इसने स्पॉन्सर किया है। नियरबाउट 178 हैंडीक्राफ्ट्स हैं इंडिया में जिनको GI टैग अभी दिया जा चुका है। सो यहां पर एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन, काला कुंभ एग्जीबिशन कौन से पर्टिकुलरली फील्ड से रिलेटेड है, क्या होगा उसमें? तो वो है आपका GI टैग हैंडीक्राफ्ट, जो भी हैंडीक्राफ्ट से जिनको GI टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है उनसे रिलेटेड ये एग्जीबिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर एग्जीबिशन को स्पॉन्सर कौन कर रहा है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट। ये एग्जीबिशन कौन कौन सी सिटीज में आपकी लॉन्च की जाएंगी, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। ओड वन आउट के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक कितने GI टैग हैंडीक्राफ्ट को दिए जा चुके हैं, 170। उम्मीद करता हूं आपको GI टैग के बारे में पता होगा, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अब तक हमने बहुत बार क्लास में भी किया है और ये बहुत ही कॉमन टर्म है जो कि आपके बार बार न्यूज में बार बार हमारे सामने देखने को मिलती है। तो GI टैग के बारे में उम्मीद यही करता हूं आपको पता होना चाहिए। 14,100 टन्स ऑफ लीडियम रिजर्व्स फाउंड इन इंडिया। ओके, 14,100 टन का लीडियम रिजर्व्स इंडिया में फाउंड किया गया है और ये किया गया मांड्या। मांड्या आपका 100 किलोमीटर दूर है जस्ट बेंगलुरु कर्नाटका से। एंड 8.6 मिलियन टन्स के साथ चिली में सबसे ज्यादा आपका प्रोड्यूस किया जाता है लीडियम रिजर्व। ओके, ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे चिली में सबसे ज्यादा होता है। इंडिया में 14,100 टन का आपका लीडियम रिजर्व्स आपका पाया गया है। कहां पर? मांड्या में पाया गया है। इंडियाज एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो रिसर्चर्स हैं इन्होंने इसको किया है। लीडियम बेसिकली यूज किया जाता है बैटरीज जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए उनको बनाने के लिए। सो यहां पर एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन, कहां पर? मांड्या में। अमाउंट पूछी जा सकती है, आपकी फिगर पूछी जा सकती है, 14,100 टन आपका फाइंड किया गया मांड्या। और ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे सबसे ज्यादा कहां पर प्रोड्यूस किया जाता है, चिली में आपका प्रोड्यूस किया जाता है। चलिए मेरे दोस्तों, इस सेशन में इतना ही था। उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा। प्लीज इस सेशन को लाइक कर देगा, शेयर कर देगा अपने सभी दोस्तों के साथ। शेयर नहीं करते हैं यार, लाइक कर देते हैं। जितने भी टेलीग्राम चैनल है आपने इतने सारे ज्वाइन कर रखे हैं, कहीं ना कहीं शेयर कर दिया कीजिए। और अकेले शेयर करने के अलावा एक बार बोला भी कीजिए कि हाँ, इस करंट अफेयर्स को जरूर फॉलो करें। इस करंट अफेयर्स से बेस्ट करंट अफेयर्स नहीं मिल सकते, इतना तो आपको विश्वास है। मुझे तो चलो है ही, मुझे तो वेरी फर्स्ट डे से है, बट अकॉर्डिंग टू मी अब आपको भी विश्वास हो गया होगा जो मुझे नए जुड़े हैं मेरे से इस मंथ। चलिए बताइए, आप में से कितने लोग मुझसे नए जुड़े हैं इस मंथ? जो नए जुड़े हैं वो कौन कौन है, जो दूसरे प्लेटफॉर्म को, दूसरे आपके जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनको छोड़कर आए और यहीं पर ही अब वो सोच रहे हैं कि इससे बेस्ट कुछ नहीं मिलेगा। ओके, सो कितने लोग हैं यहाँ पर जो लोग अभी इसी मंथ मेरे से जुड़े हैं और आप लोग रहेंगे मेरे साथ, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है, चलिए
प्लीज और लोगों को भी जोड़िए इस चैनल से, इस मेरे पर्टिकुलरली करंट अफेयर से, आपसे बस यही दरख्वास्त है। नेक्स्ट चलते हैं लातूर मेडिकल कॉलेज, सबसे पहले रिवीजन करते हैं हम, इससे पहले रिवीजन करते हैं, फटाफट से रिवीजन करते हैं। लातूर मेडिकल कॉलेज चीफ मिनिस्टर विलासराव देशमुख के नाम पर आपका रखा गया है, ओके। चीफ मिनिस्टर विलासराव देशमुख के नाम पर लातूर मेडिकल कॉलेज का नाम चेंज कर दिया गया है। इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एनालिसिस न्यू दिल्ली का, इसका नाम भी चेंज करके मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस कर दिया गया है। 20th लॉरेंस अवार्ड 2020 अनाउंस किया गया बर्लिन में, ये अनाउंस किए गए, ये सामने है। इसमें इंडिया की तरफ से लॉरेंस बेस्ट स्पोर्टिंग मूवमेंट आपका कैरिड ऑन द शोल्डर ऑफ नेशन सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, इराक में 5 प्रोविंसेस में उन्होंने कहा है कि यहां पर ट्रैवल करना खतरा हो सकता है, तो यहां पर आप ट्रैवल मत कीजिए। 17वें बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जर्मनी में होंगे, एंड ये आपका डॉक्टर एस जयशंकर ने इसके लिए आपका इंडियन पवेलियन वहां पर इनॉग्रेट किया। अम्बाला सिटी बस स्टैंड को आपका सुषमा स्वराज जी के नाम पर चेंज कर दिया है, उसका नाम सुषमा स्वराज जी के नाम पर अम्बाला सिटी बस स्टैंड का नाम रखा गया है। अप्रिशिएट एंड कमेंट स्कीम पंजाब पुलिस ने जारी की, इसके तहत आपका पुलिस ऑफिसर्स को आपका अवार्ड दिया जाएगा, उनको सम्मानित किया जाएगा। युधावु जो मोबाइल ऐप है वो है रिलेटेड टू ड्रग मैनेस, और ये लॉन्च किया आपका कोची में केरला के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन ने। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च की 2 स्कीम्स, एक है चीफ मिनिस्टर अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम जिसके लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए, ऑन द जॉब ट्रेनिंग आपके दी जाएगी यूथ को, एंड इसके अलावा एक युवा, दैट इज युवा उद्यमिता विकास अभियान जिसके तहत युवा हब एस्टेब्लिश किए जाएंगे जिसमें आपका एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी आपकी इन ट्रेंड यूज को, 50 करोड़ रुपीज उसके लिए इन्वेस्ट किए गए हैं। 2020 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस आपका ग्लासगो यूके में नवंबर में होगा, जिसको आपका ऑर्गेनाइज करेंगे आपका आलोक शर्मा जो कि आपके मिनिस्टर इंचार्ज रहेंगे, एंड ये फिलहाल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर बिजनेस एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल स्ट्रेटेजी हैं आपके ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट में, ये आगरा उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। अचीविंग ग्लोबल गोल्स 2030 ये एक आपके मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित की जा रही है, एंड इसको को होस्ट करेगा WHO। हैदराबाद में 17वां एडिशन होगा बायोएशिया 2020 का, थीम रहेगी टुडे फॉर टुमारो, एंड स्विट्जरलैंड इसकी पार्टनर कंट्री रहेगा। इसरो आपका लॉन्च करने जा रहा है 10 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसमें सबसे पहली नई वर्जन एक सैटेलाइट का जियो इमेजिंग सैटेलाइट है, इसमें आपका बजट रहेगा 13,480 करोड़। बुक एक बुक है चाणक्य नीति से रिलेटेड वो आपका संस्कृत से ट्रांसलेट की A&A हस्कर ने, हक्सर ने। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप स्टार्ट हुई न्यू दिल्ली में। नाडा ने बैन किया जेवलिन थ्रोवर अमित दहिया को 4 सालों के लिए। सोनीपत में आपकी हाल ही में नेशनल जेवलिन थ्रो ओपन चैंपियनशिप थी, उस वक्त इनको बैन किया गया। कोनेरू हम्पी ने आपका चेस टूर्नामेंट जीता जो कि आपका यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ, क्रेन्स कप चेस टूर्नामेंट कोनेरू हम्पी ने जीता। नेक्स्ट चलते हैं यूनाइटेड बाय इमोशन टोक्यो 2020 ओलंपिक्स मोटो, दैट इज द यूनाइटेड बाय इमोशन, ये आपका ओलंपिक्स गेम्स का मोटो आपका दिया गया टोक्यो 2020 का, एंड ऑफिशियल जो मोटो है वो CTS, LTS, 4TS, फास्टर हायर स्ट्रोंगर है, बट जो गेम्स 2020 टोक्यो की हो रही हैं उनका मोटो आपका यूनाइटेड बाय इमोशन रखा गया है। इंडिया ने साइन किया 450 मिलियन लोन एग्रीमेंट वर्ल्ड बैंक के साथ आपका साइन किया, और इसके तहत अटल भूजल योजना के लिए ये पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा जो कि 7 स्टेट्स में आपका इंप्लीमेंट किया जाएगा, 78 डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूड रहेंगी इसमें। डोनाल्ड ट्रंप आपका इनॉग्रेट करेंगे दुनिया का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में, 1.10 लाख लोगों की कैपेसिटी आपकी रहेगी इस पर्टिकुलर स्टेडियम के, सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम भी इसको कहा जाता है, मोटेरा कहा जाता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज जो कि आपका गांधीनगर गुजरात में हुई, थीम रही इसके माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लैनेट एंड वी वेलकम देम होम, एंड कोलम, कोलम आपका एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है सदर्न इंडिया का, इसके लोगो जो इसका लोगो है वो से इंस्पायर्ड है। 3 सालों के लिए इंडिया इसका प्रेसिडेंट रहेगा, 1983 में इंडिया ने इसको साइन किया था। काला कुंभ एग्जीबिशन जो कि रिलेटेड है आपका जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग हैंडीक्राफ्ट्स को दिए जाते हैं उससे रिलेटेड है, उसकी एग्जीबिशन है। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स ने इसको स्पॉन्सर किया है, ये आपकी बेंगलुरु मुंबई चेन्नई एंड दी कोलकाता में आयोजित की जाएगी। 178 हैंडीक्राफ्ट्स को GI टैग दिया जा चुका है। 14,100 टन का लिथियम रिजर्व इंडिया में मांड्या जो कि बेंगलुरु से 100 किलोमीटर दूर है वहां पर पाया गया, और ग्लोबल लेवल पर सबसे ज्यादा ये रिजर्व जो लिथियम का वो चिली में अवेलेबल है। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आएगा, इसी तरह से मेरे साथ बने रहिएगा हमेशा की तरह, और मिलते हैं फिर 8:30 बजे आपसे लाइव
करंट अफेयर्स एमसीक्यूज में, कल के एमसीक्यूज करेंगे तो जरूर आइएगा और सभी के सभी लोग लाइव आइएगा और टाइम से 8:27 पे ही पहुंच जाइएगा। टेक केयर, बाय बाय, मैं 8:30 पे स्टार्ट कर दूंगा आज, ठीक है? सो टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू अगेन, एंड सी यू अगेन टुमारो 7:30, पहले 8:30, सी यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे अहेड।